अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट फोर में वीक थ्री फॉलो करेंगे और वीक थ्री में जो आज हम #61, #62 और #63 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम #61 देखते हैं। #61 में हमारा क्लास वर्क को होमवर्क है। #61 में आज जो आपका क्लास वर्क है वो है पेज नंबर 71 एंड 72 कॉपी वर्क, और यही पेज नंबर 71 एंड 72 आपको होमवर्क में बुक में करना है और प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 70 जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो बुक ओपन करते हैं, देखते हैं पेज नंबर 71 और 72 में क्या काम है आज। ये आपका पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 में जो आज आपका टॉपिक है वो है एडिशन टू डिजिट्स नंबर। अब तक आपने मैथ्स में जो एडिशन के सम्स किए थे वो सिंगल नंबर थे, यानी सिंगल नंबर आपको दिए जाते थे जो आपको ऐड करने थे, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं टू डिजिट्स नंबर है, ठीक है, दो नंबर जो आपको ऐड करने होंगे। उसको सॉल्व करने एक तरीका ये भी कि आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस यू कैन सॉल्व दिस। ओके, सो नंबर वन जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 के ब्लॉक्स है, ठीक है, इसमें काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक्स, ये भी 10 ब्लॉक्स है और ये सिंगल वंस हैं, एंड ये भी 10 के कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम क्या काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 के टेंस है और वंस के कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 के वंस हैं। सो यहाँ पर अगर हम इसको टेंस और वंस में प्लस करें तो नंबर वन में 2 टेंस 2 वंस, देन 3 टेंस एंड 4 वंस, यानी फर्स्ट में 22 है, देन 34 है, इन दोनों को आपस में प्लस करें। और आप ये जो है विद द हेल्प ऑफ अबाकस भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले भी बीट्स वाले किए थे, अबाकस वाले प्रीवियस लेसन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इस टेंस और वंस आप ऐसे भी सॉल्व करते हैं कि हमें पता है टेंस हमारे पास क्या आंसर है 5, तो अबाकस में टेंस के कितने बीट्स ड्रो किए 5, इसी तरह 4 प्लस 2 6, तो वंस में कितने बीट्स ड्रॉ करेंगे 6। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग आपके पास है, नाउ ऐड दिस एंड राइट द सम्स, आपको यहाँ पर ऐड करना है और राइट भी करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपके पास सॉल्व हुआ है 41, 35। अब 4 में आपको पता है जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले राइट साइड सॉल्व करते हैं, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 4 7, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 4 के जो है कितने टेंस ब्लॉक हैं, और यहाँ पर टेंस के यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पर इसका आंसर लिखना है आपको कि टेंस के हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं 7 है, और यहाँ पे वंस वाले काउंट करें, वंस वाले कितने ब्लॉक्स हैं वो काउंट करके आपको यहाँ लिखना है। और इसी तरह जो आंसर आपके पास आया उसी के मुताबिक आपको टेंस में और वंस में बीट्स ड्रॉ करने, ठीक है। सो ये होमवर्क है आपका, पेज नंबर 71 आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब पेज नंबर 72 देखते हैं। ये है आपका पेज नंबर 72, और पेज नंबर 72 में सेम एज इट इज़ है, सेम फॉर्मेट है, उसी तरह टेंस और वंस को जो है काउंट करने, वहाँ पर आपके पास सिंपल नंबर थे, यहाँ पर आपके पास नंबर्स जो हैं उसी तरह नंबर है, टेंस और वंस वाले हैं, आपको उसी तरह प्रॉपर जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर भी वंस सॉल्व है आपके पास और बाकी ए आपके पास सॉल्व है, बी और सी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपको जो है डिजिट्स लिखने होंगे यहाँ पर, देन उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अब एक में आपको ऊपर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में आपको सॉल्व करके दिया जा चुका है। पहले आप फर्स्ट वाले को काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर टेंस के कितने कॉलम्स हैं हमारे पास 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, और वंस के कितने हैं तो वंस के यहाँ पर 6 है, तो यहाँ हमने 6 लिखा। इसी तरह यहाँ पर सेकेंड में हमारे पास वंस के टेंस के कितने कॉलम थे, तो टेंस का हमारे पास जस्ट 1 था, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, और वंस वाले कितने थे, सो वंस वाले 2 थे। नाउ हमने इसको ऐड किया, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पर हमारे पास टेंस के कितने कॉलम्स हैं, टेंस के 9 कॉलम्स हैं, तो हमने लिखा 9 टेंस, और सिंपल यानी वंस वाले कितने हैं, तो वंस वाले 8 है, तो हमने लिखा 8 वंस। अब इसी तरह आपको यहाँ पर जो है बीट्स ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर टेंस में कितने बीट्स ड्रॉ होंगे, टेंस में 9 बीट्स ड्रॉ होंगे। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है।
वन टेंस वाले नाइन, जो कि अब वंस में कितने हैं, एट। तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो वंस वाले हमारे पास कितने थे, एट थे, तो हमने एट। इस तरह आपको ये पूरा पेज कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सेम वर्क जो है बुक में भी सॉरी कॉपी में भी करेंगे। सो नाउ तो कॉपी में सबसे पहले जो है आपको इस तरह मार्जिन ड्रॉ करने हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में जैसे हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपको टॉप में डेट मेंशन करनी, जैसे आज की डेट है सेवन, मैंने यहाँ पे सेवन डेट मेंशन की, ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी, ओके। देन यहाँ पर क्लास वर्क लिखेंगे। अब आपको पता है कि हम जब भी कोस्टर्न लिखते हैं तो कोस्टर्न हम किससे लिखते हैं, ब्लू कलर से। सो आपकी ब्लू कलर बिल्कुल शार्प होनी चाहिए ताकि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक, टी ओ पी आई सी, ठीक है। हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा। अब हमारा टॉपिक क्या था, हमने बुक में पढ़ा था एडिशन टू डिजिट नंबर, तो वही हम यहाँ पर स्पेस देते हुए नीट एंड क्लीन वे में, आपको पता है ना हम किस तरह स्पेस देके वन वन फिंगर का गैप देकर लिखते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर टॉपिक मेंशन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुक से देखकर जो है टॉपिक मेंशन कर लिया, स्पेस दे देकर। आप देख सकते हैं ना कैसे मैंने स्पेस देकर काम किए, तो सेम एज इट इज़ आपको भी स्पेस देकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे कॉपी में सॉरी बुक में बॉक्स ड्रॉ हुए थे, सेम हम इस पर भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने टेन के टू बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है। फिर एक बॉक्स का गैप देंगे, फिर एक बॉक्स का गैप देंगे, तो यहाँ पे वंस वाले ड्रॉ करूँगी मैं, वन टू थ्री, ठीक है। फिर ए एन डी एन स्पेस देकर बिल्कुल नीट जैसे मैंने काम के सेम वैसे ही करना है। अब अगेन मैं नीचे जो है टेन बॉक्सेस ड्रॉ करूँगी, टेन के जो है मैं थ्री बॉक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। सो आप इस तरह फिर इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे, ओके। मैंने टेन के तीन बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। अब मैं सिंगल वाले ड्रॉ करूँगी, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। अब ये ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे हम लिखेंगे डैश, फिर पेंसिल से लिखेंगे स्पेस देकर टी ई एन एस टेंस, देन अगेन थोड़ा एक बॉक्स का गैप देंगे डैश, फिर गैप देकर ओ एन ई एस वंस, ठीक है। उसके बाद नीचे आप अगेन टू बॉक्सेस का स्पेस देकर लिखेंगे टी एंड ओ, जैसे हम सम्स में लिखते हैं, यानी टेंस एंड वंस। अब यहाँ पर जो है आपको काउंट करने, अब ऊपर सबसे पहले काउंट करेंगे टेंस के कितने बॉक्सेस हैं, टू। तो मैंने यहाँ लिखे टेंस के हमारे पास टू बॉक्सेस हैं, और वंस कितने हैं, वन टू थ्री, वंस हमारे पास थ्री है। एंड इसके बाद फिर हमारे पास टेंस के कितने बॉक्सेस है, वन टू थ्री, टेंस के थ्री बॉक्सेस है। वंस हमारे पास कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वंस के मैंने लिखा फाइव बॉक्सेस है, ओके। और इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। फिर हम प्रॉपर लाइन लगाएंगे, देन हम इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम हमेशा राइट साइड से ऐड करते हैं, थ्री प्लस फाइव, एज वी नो थ्री प्लस फाइव इज एट। नाउ टू प्लस थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू विल बी फाइव, ठीक है। तो हमारे पास टेंस कितने हैं, फाइव, और वंस कितने हैं, एट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारे पास टेंस के कितने बॉक्सेस हैं, फाइव बॉक्सेस हैं, और वंस के कितने हैं, एट। अब यहाँ पर आपको अबाकस भी ड्रॉ करने हैं। अबाकस कैसे ड्रॉ करेंगे, अबाकस आप यहाँ पर पहले वन टू थ्री, थ्री लाइन के जो है स्पेस छोड़ेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लास में अबाकस हमने बनाया था ना क्लास में, थ्री बॉक्सेस का गैप छोड़कर यहाँ पर डॉट लगाएंगे, वन टू थ्री, ठीक है। फिर दो बॉक्सेस का गैप छोड़कर वन। अब यहाँ पर आप प्रॉपर वे में जो है स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये आपका जो है अबाकस ड्रॉ हो चुका है ऐसे। फिर हम टेंस और वंस, अब यहाँ पर वैसे ही जैसे आपने बीट्स ड्रॉ किए थे, टेंस में कितने बीट्स ड्रॉ होंगे, फाइव,
मैंने टेंस में 5 बीट्स ड्रॉ की, अब वंस में कितनी बीट्स ड्रॉ करनी है, 8। सो यहाँ 8 में 1 बीट्स ड्रॉ की, ओके। सो पेज नंबर 71 और 72 में सेम काम था, इसलिए हमने जस्ट एक पेज पे यही काम किया, ओके। आई होप आपको समझ आएगा, आ गया होगा।